नजर डाल समंदर बना दिया, काटे को जो छुआ तो तूने तर बना दिया, काटे को जो छुआ तूने तर बना दिया। तू मुझे देता है फायदा तो काम चलता है, तूने तेरे दिल मुझ तर की बात है, सामने तेरे चीन हो या जापान, अमेरिका हो रूस हो चाहे हो वो पाकिस्तान, अमेरिका हो रूस हो चाहे हो वो पाकिस्तान, मेरे भारत से टकराना खेल नहीं आसान, मेरे भारत से टकराना खेल नहीं आसान। मोरारी का लाल बजा, मोरारी का लाल बजा, चलिए चलते रहो चलते रहो। मुस्कर की बात है अब सामने तेरे दिल, मुस्कर की बात है प्यासों की लाज रख ले समंदर की बात है, प्यासों की लाज रख ले समंदर की बात है। अभी मेरा एक सीरियल चल रहा है तेनाली रामा, जो ख्वाजा जी की कृपा से बहुत बड़ा हिट है, उसी में मशरूफ। मेरे साथ दीपाली जी आई हैं, सोहित सोनी आए हैं, ये भी तेनाली रामा में हैं, ये मेरे शिष्य बने हैं उसके अंदर। दीपाली जी ने बहुत सीरियल किए हैं, बहुत काम कर रही हैं और बहुत अच्छी अदाकारा हैं। जी आज आप चादर लेकर आए हैं, सबसे पहले तो ख्वाजा जी के मैं दरबार में आया हूँ। ओ सलीम भाई, ये ख्वाजा जी का बुलावा था, मेरा सर झुका के ख्वाजा जी को नमस्कार।
सकी साहब ने हम लोगों को बुलाया बॉलीवुड की चद्दर चढ़ाने के लिए। बुलावा ख्वाजा जी का है सकी साहब के थ्रू। तो ये हमें जो मौका मिला, ये हमें जो अवसर मिला बॉलीवुड की तरफ से ख्वाजा जी के दरबार में आके चद्दर चढ़ाने का, तो बड़े अच्छे से चद्दर चढ़ाई गई। बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, आशीर्वाद मिला। और पूरे बॉलीवुड के लिए मैंने दिल से दुआ मांगी है कि हमारा बॉलीवुड पनपे, तरक्की करे, सब सुख शांति से रहें, प्यार मोहब्बत बनी रहे। नाम सर सोहित विजय सोनी है। और ख्वाजा जी का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ पे आया, बहुत किस्मत वाला हूँ। और जो कहते हैं भगवान या ऊपर वाले किसी दर्शन देने के लिए कोई ना कोई जरिया बनते हो, जरिया बने पंकज बेरी जी जो तेनालीरामा सीरियल में मेरे गुरु हैं और मैं उसमें मनी की भूमिका निभा रहा हूँ, और हमारे अपना सर। और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं ख्वाजा दरगाह पर आया हूँ, ख्वाजा जी बाबा के पास। और बहुत दिन से मन्नत मांगी हुई थी जो एकदम से पूरी हो गई, जो मुझे पता भी नहीं था कि मैं एकदम से इस तरीके से पूरी हो जाएगी। तो सबसे पहले बस मैं यही चाहूँगा कि यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं उनकी ख्वाहिशें पूरी हों, उनकी मुरादें पूरी हों, उसके बाद मेरी मुरादें पूरी हों, और सब इस हिंदुस्तान में प्यार मोहब्बत बना रहे। और जो ज़रिया है हमें पंकज बेरी जी, दीपाली मैम और सखी साहब, इनकी वजह से आज मैं यहाँ पे आप सबके बीच हूँ, और इस पूरी मीडिया का मैं आभारी रहूँगा। मैं भाभी जी घर पर हैं पे न्यूज़ एंकर जो आप मुझे देखते होंगे नमस्कार के रूप में, उसमें मैं काम करता हूँ। और तेनालीरामा में मैं मनी की भूमिका निभा रहा हूँ, जो गुरु तथाचार्य के शिष्य हैं, जो इनकी खिंचाई करता है, खिल्ली उड़ाता है, जो ऑडियंस को हंसाते हैं। और एक मूवी आने वाली है माँ साहब, जिसके अंदर मेरा नन्हे का रोल है। अभी वो गोवा फेस्टिवल और अभी दादा फाजगे साहब में भी वो गई है, और वो 23 तारीख यानी उसको चलने वाली है वो। तो बस बहुत अच्छा महसूस हुआ, मतलब मैं इतना खुश हूँ अभी, मुझे पता भी नहीं चल पा रहा कि मैंने सोची हुई चीज़ बहुत आसानी से पूरी हो गई। और सखी साहब की वजह से आज मैं यहाँ आराम से दर्शन किया ख्वाजा साहब के, और पंकज बेरी जी के वजह से आज मैं बहुत अच्छी जगह हूँ। और बस यही चाहूँगा कि बॉलीवुड में हमेशा प्यार मोहब्बत बना रहे, लोग तरक्की करें, और हमारे सीरियल तेनालीरामा और भाभी जी घर पर हैं कि दुख बहुत है, थोड़ी सी मुस्कान अगर हम ला सकते हैं, एंटरटेन कर सकते हैं, तो मैं उसके लिए ख्वाजा जी को शुक्रिया कहूँगा कि मैं इस लायक बना। और सखी साहब की वजह से मैं आज आप लोगों के बीच, इस प्यारी सी जनता के बीच में हूँ। हाँ, मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला, और ये पंकज सर की दुआ से हुआ है। बिकॉज मैं इनसे नहीं मिलती तो मैं शायद आज यहाँ नहीं होती। पर कहते हैं कि सच्चे दरबार में जब एक बार बुलावा आता है तो फिर उसे कोई ताकत नहीं रोक सकती आने से, तो शायद मेरे लिए बुलावा आया था। मैं पहली बार आई हूँ अजमेर और बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत सुकून मिल रहा है दिल को। कहते हैं कि यहाँ पे मांगी हुई हर दुआ पूरी होती है, तो मैं ख्वाजा जी से दुआ करूँगी कि सभी को खुश रखें, सभी की मनोकामनाएं पूरी हों, जो जो चाहता है उसे वो सब मिल जाए। और मेरी जल्दी एक फिल्म आ रही है सस्पेंस, जिसका शूटिंग कल से ही शुरू होने जा रहा है, तो मैं ख्वाजा जी से दुआ करूँगी कि मेरी फिल्म सुपरहिट जाए और मैं अच्छा काम करूँ, आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलता रहे। ख्वाजा जी सबकी दुआ कबूल करें। आप पहली बार बॉलीवुड चादर में, आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा फील हो रहा है, और मैंने सुना है कि ये चादर हर साल बॉलीवुड के एक्टर आके चढ़ाते हैं, पर मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। और मैंने ये भी सुना है कि जादुई दरवाज़ा, मन्नती दरवाज़ा, जन्नती दरवाज़ा साल में 6 दिन के लिए खुलता है, और मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मुझे वो दरवाजे से आने का मौका मिला। और बॉलीवुड की चादर, मैं मानती हूँ कि बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है इन सब चीज़ों में। बस मैं दुआ करूंगी कि हम सबकी दुआ कबूल हो और सब खुश रहें। नहीं आने वाली कोई फिल्म या सीरियल जिनमें? मेरी अब एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है सस्पेंस, जिसका शूटिंग कल से ही शुरू होने जा रहा है। इससे पहले मैंने काफ़ी टीवी सीरियल्स में काम किया है, जैसे कि संकट मोचन, महाबली हनुमान, नारायण नारायण, बिग मैजिक पे एक शो आता था डोली अरमानों की, तो बहुत सारे टीवी सीरियल्स किए हैं मैंने। आप लोगों ने मुझे माता लक्ष्मी के रूप में देखा होगा अब से पहले काफ़ी धार्मिक सीरियल में। तो अभी मेरी जल्दी एक फिल्म आने वाली है जो सस्पेंस थ्रिलर है, और दुआ करूंगी कि आप सभी लोगों को अच्छी लगेगी, आप सब लोग सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।